प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 में पढ़ेंगे ताप मापने वाले पैमाने जो होते हैं, जैसे कि सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन। एक दूसरे को, जैसे आप कभी कभी बुखार नापने के लिए यंत्र देखेंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास एक शीशे जैसा होता है मापक, वो आपके मुँह में डालता है और कहता है आप इसे हाथ से पकड़े, ये कुछ समय बाद आप निकालते हैं तो उसको देते हैं तो बता देता है कि आपको इतना डिग्री या इतना डिग्री सेल्सियस बुखार है। उसके बाद अब मार्केट में कुछ ऐसे भी आ गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आ गए हैं जो बुखार को, उसी बुखार को सेल्सियस में न माप करके फारेनहाइट में मापते हैं। फारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदल लेंगे, सेल्सियस को फारेनहाइट में, फारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदल लेंगे, इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेल्सियस। सेल्सियस को सी से दिखाते हैं, ये डिग्री का चिन्ह डिनोट करता है। फारेनहाइट को कैपिटल एफ डिग्री से, केल्विन को के डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले सेल्सियस फारेनहाइट में। अगर मान लीजिए हमारे पास सेल्सियस दिया है और फारेनहाइट में करता बदलने के लिए, सेल्सियस में दिया है और फारेनहाइट में करता बदलने के लिए, जैसे मान लीजिए मनुष्य का सामान जो ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 37 डिग्री सेल्सियस हम जानते हैं लेकिन फारेनहाइट में हम नहीं जानते हैं, तो कैसे लगाएंगे? इसके लिए याद करिए फार्मूला एफ बराबर, इसको ध्यान दीजिएगा, एफ डिग्री बराबर होता है 9/5 गुरे सेल्सियस डिग्री, जितना सेल्सियस दिया होगा, प्लस आप 32 उसमें जोड़ देंगे। जैसे बात करते हैं 9/5 लिख दें गुरे 37 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलना है, 37 लिख दें प्लस 32 लिख दें, तो सबसे पहले फिर वही चीज आप इस 9 का 32 में गुणा करेंगे, 9 × 7 = 63 होगा, 3 आ जाएगा, 9 × 3 = 27 होगा, 6 × 33 हो जाएगा, 333 आया, 5 से भाग करेंगे और उसमें 32 जोड़ देंगे, 32/1 भी लिख सकते हैं, आप भिन्न के रूप में कर सकते हैं, तो हो गया 333/5 प्लस 32/1, लॉस ऑफ ऑल लेंगे 5 आएगा हमारा, 5 के पहाड़ा में 5 एक बार में आएगा, 1 से गुणा करेंगे, और 1 के पहाड़ा में 5 बार में आएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 333 में 1 से गुणा करेंगे तो 333 ही होगा, 32 में 5 से गुणा करेंगे 32 × 5 = 107 होता है, 107 हो गया। आगे इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 6 = 3 हो गया 9, और ये हो गया 4, आप भाग करेंगे 5 से तो 5 में हम 493 का भाग देंगे, 5 × 9 होगा 45, 4 × 3 = 5 / 8 = 40, 3 दशमलव लगाएंगे 0 × 5 = 6 = 30, तो इस तरह से आएगा 98.6 फारेनहाइट। तो हम लिख सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस कहिए या 98.6 फारेनहाइट कहिए, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर सेल्सियस में दिया है, फारेनहाइट में पूछेगा तो एफ डिग्री सेल्सियस बराबर 9/5 का गुणा कर देंगे, जितना डिग्री सेल्सियस दिया होगा, गुणा करने के बाद आप उसे 32 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा इतना डिग्री फारेनहाइट। या अगर यही सवाल अगर फारेनहाइट में दिया हो, सेल्सियस में पूछेगा तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। ये तो रहा जब सेल्सियस से फारेनहाइट में पूछेगा तब, अगर फारेनहाइट से सेल्सियस में पूछेगा तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे सी डिग्री बराबर फारेनहाइट जो दिया होगा माइनस 32 प्लस 5/9। ध्यान दीजिएगा जो फारेनहाइट दिया है आप उसमें 32 पहले घटाएंगे, घटाने के बाद ही 5/9 से आप गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा पहले आपको ये काम करना है, करने के बाद ही 5/9 से गुणा करना है। जैसे
अभी आया था 98.6 फारेनहाइट सेल्सियस में कैसे निकलेगा इसके लिए हम देखते हैं। देखेंगे सबसे पहले सी डिग्री बराबर 98.6 माइनस 32 कर देंगे, गुणे आप 5/9 करेंगे। आगे देखेंगे तो आगे सी डिग्री बराबर 98.6 में आप 32 घटाएंगे 0.6 हो जाएगा और 8 में से ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 66.66। आप 5 से गुणा करके 9 से भाग दे देंगे तो आप 66.6 × 5 करेंगे तो आएगा 333। 9 से भाग करेंगे, अगर आप 9 से 333 में भाग करेंगे तो आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आपको क्लियर होगा फारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना, सेल्सियस से फारेनहाइट में बदलना। आगे देखेंगे अगर हमारा कोई सेल्सियस में दिया है, अगर सेल्सियस में दिया है केल्विन में पूछेगा तो केल्विन में बराबर होता है सेल्सियस प्लस 273.15। अगर यही चीज सेल्सियस में पूछेगा तो केल्विन माइनस 273.15। जैसे कोई कहता है 27 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बताइए कितना होगा, तो आप यहाँ रखेंगे 27 + 273.15 जोड़ देंगे तो 300.15 ये केल्विन में हो गया। अगर आपको दिया 300 केल्विन में सेल्सियस में पूछेगा तो 300 − 273.15 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, जो भी आएगा ये हमारा सेल्सियस में हो जाएगा। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस तरह से आपके प्रश्न, आपके किताब में जो प्रश्न दिया है सेल्सियस को फारेनहाइट में, फारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फारेनहाइट में, आप इसको इस फार्मूला से लगाएंगे। जो भी कुछ नहीं समझ में आएगा आप उसे हमें कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।